गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज हम आपको मॉरल साइंस में एक अच्छी सी स्टोरी पढ़ाएंगे जो आपकी बुक में है। स्टोरी कौन सी है हमारी, उससे हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, यह आपकी मॉरल साइंस की बुक है, इसमें हम देखते हैं चैप्टर 4, अच्छा व्यवहार मीन्स गुड बिहेवियर। मीन्स अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलता है। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें बुरा व्यवहार मिलेगा। ठीक, इसमें एक बच्चा है सार्थक, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है अच्छा व्यवहार मीन्स गुड बिहेवियर। सार्थक शाम के समय अपने घर के सामने मैदान में खेल रहा था, तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत उधर दौड़ा। उसने जाकर देखा कि श्रीमती सरला गुप्ता बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द के मारे चीख रही थी। एक लेडी थी जिसका नाम मिसेस सरला गुप्ता था, वो बीमार थी जिसके कारण उनको पेन हो रहा था और उस पेन से वो क्या कर रही थी, चीख रही थी, उनको बहुत ज़ोर दर्द हो रहा था। ये सार्थक के घर के पास ही अकेली रहती थी, सार्थक दौड़कर डॉक्टर साहब को बुला कर ले आया। डॉक्टर साहब ने दवाएं दी और थोड़ी ही देर में उन्हें आराम हो गया। उन्होंने सार्थक को आशीर्वाद दिया। जब हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी को कष्ट में देखते हैं और उसकी मदद करते हैं तो हमको उससे अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं। वो आशीर्वाद हमें अच्छे से अच्छी योग्यता देते हैं, अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, या ऐसा नहीं कि किसी को हमको अगर हम किसी को मुसीबत में देख रहे हैं तो उसको हम इग्नोर कर दें, नहीं। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई हमें दिखता है जिसकी तबीयत ख़राब है, जो दर्द की चिल्ला रहा, तो हमें सदैव उसकी मदद करनी चाहिए। ओके, उन्होंने सार्थक को क्या दिया, आशीर्वाद। हमें भी सार्थक जैसा बनना चाहिए। समय आने पर अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। मीठी बोली सबको अच्छी लगती है, इसलिए सदा सभी से नम्रतापूर्वक बोले। मीन्स हमें सबसे अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे विचार बोलने चाहिए। हम जैसे विचार अपने अंदर लाएंगे हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अच्छे नेचर के, अगर हम अच्छा व्यवहार किसी के साथ करते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। अगर हम बुरा व्यवहार करते हैं तो हम बुरा व्यवहार करते हैं तो हमको बुरा ही व्यवहार मिलता है। जैसा कि एक बोली ही ऐसी होती जो अपने को पराया और पराए को अपना कर सकती है। अगर हम अच्छी वाणी बोलेंगे तो समाज में हमें रिस्पेक्ट मिलती है। क्या कहते हैं कि देखो वो बच्चा कितना रिस्पेक्टफुली है, कितना अच्छे से हम लोगों से बात करता है ना। इसलिए सदा सभी से नम्रतापूर्वक बोलो। पड़ोसियों से झगड़ा करना या उनकी हंसी उड़ाना बहुत बुरी आदत है। कभी भी किसी को देखकर हंसी मत उड़ाइए, बुरा मत करिए, उसके बारे में बुरी बातें ना बोलिए। कुछ बच्चे पड़ोसियों के बगीचे में से फल फूल तोड़ लेते हैं। हमें कभी किसी के घर की वस्तु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए कि हमारे द्वारा ही किसी को हानि पहुँचे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। गर्जे उसके घर की दीवारों को गंदी कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, किसी ने जैसे पेंट वगैरह कराया तो उसकी दीवारों को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभी गंदी आदतें हैं। अगर हम ये सब करते हैं, कोई बच्चा अगर ये सब करता है तो ये सब बैड हैबिट में आते हैं। गुड हैबिट एंड बैड हैबिट आपने पढ़ा होगा ना, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। गुड हैबिट इज़ अ परफेक्ट, ओके, परफेक्ट मैन मेक अ मैन। गुड हैबिट इज़ अ परफेक्ट मेक अ मैन। अच्छी आदतें एक अच्छे इंसान को क्या कहते हैं, परफेक्ट अच्छा बनाती हैं, और बुरी आदतें एक आदमी को बर्बाद कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छा बनना है, बुरा नहीं बनना है। अब जब हमें अपनी हानि अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को भी हानि नहीं
करनी चाहिए। जब किसी के द्वारा हमारा नुकसान हो जाता है तो हमको अच्छा लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता है ना किसी के द्वारा हमको कुछ हानि पहुँचती, तो जब हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को कैसे अच्छी लगेगी। इसीलिए सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जो दूसरों को अच्छे लगे, मीन्स जब हमको वो कार्य अच्छे लगेंगे तभी वो दूसरों को अच्छे लगेंगे। इसलिए सदैव हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे कार्य से सामने के व्यक्ति को हानि ना पहुँचे, वो हमसे दुखी ना हो। अच्छे बच्चे सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसे बच्चों को सभी प्रेम करते हैं। मीन्स जो बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छी नेचर होता, अच्छा सबसे सब बात करते हैं, वो हमेशा ही उन बच्चों से सभी बड़े ही पोलाइटली से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है, जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगे दूसरे भी तुम्हारे साथ वैसे व्यवहार करेंगे। मीन्स हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे हमको वैसा ही व्यवहार मिलेगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो अगला इंसान भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अगर हम बुरा व्यवहार करते हैं तो दूसरा भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, और जब वो बुरा आपके साथ बिहेवियर करेगा तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए हम सभी को आज से इस दिमाग में अपने बैठा लेना चाहिए कि हम सभी को बड़ी ही अपने से बड़ों से बड़ी ही पोलाइटली से बात करनी चाहिए, और सदैव सबका कहना मानना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए। इस तरह हमने आज आपको चैप्टर 4 पढ़ाया, अच्छा व्यवहार मीन्स गुड बिहेवियर। ओके, थैंक यू।